क्या होता है और उसका बिजनेस फॉरकास्टिंग टेक्निक में क्या हेल्प होता है, तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ बेटा, हर इंडस्ट्री का इनपुट उसी के लिए क्या होता है, आउटपुट। सर छोटा सा एग्जाम्पल लो, मैंने बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिख के रखा है, उस एग्जाम्पल से बात करते हैं, थोड़ी बहुत समझाऊंगा बातें। जैसे एग्रीकल्चर एक अपनी इंडस्ट्री है, ओके सर, एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री अपनी, उसके बाद हेल्थ एक इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन एक इंडस्ट्री है। तुमको क्या लगता है, क्या एग्रीकल्चर कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर को ही देता है क्या? मतलब एग्रीकल्चर क्या अपने आप को ही कुछ दे सकता है क्या? अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर में हम बहुत सारी चीजें उगाते हैं, अपने सीड्स उगते हैं, रॉ मटेरियल उगता है, कॉटन उगती है, तो क्या सर एग्रीकल्चर खुद के लिए भी बहुत सारे इनपुट देता है क्या? हाँ सर, अगर एग्रीकल्चर में सर अगर हमको आम उगाना है तो जो आम के बीज है वो एग्रीकल्चर से ही तो मिलेंगे। तो सर क्या एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इटसेल्फ? यस, एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इटसेल्फ, सीधी बात है। तो सर क्या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खुद को भी कुछ ना कुछ सर्विस देती है? हाँ सर, एग्रीकल्चर में उगी हुई चीजें वापस से क्या एग्रीकल्चर वाले किसानों के द्वारा ही यूज की जाती है उनको मल्टीप्लाई करने में? हाँ सर ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या सर एग्रीकल्चर कुछ ना कुछ हेल्थ इंडस्ट्री को दे रहा है? एग्रीकल्चर कुछ ना कुछ हेल्थ इंडस्ट्री को दे रहा है क्या? सर अभी तो जितनी भी दवाइयां ववाइयां बनती हैं वो सब काय पे बनती है सर, एग्रीकल्चर के थ्रू बनती है। तो क्या सर एग्रीकल्चर का कुछ इनपुट हेल्थ के लिए है क्या? हाँ सर, एग्रीकल्चर का इनपुट हेल्थ के लिए भी है। जितनी दवाइयां हैं, जितनी मेडिसिन है, जितने आयुर्वेद है, ये सब प्रॉपर तरीके से हेल्थ के लिए भी होते हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज, क्या एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कुछ दे रहा है? क्या एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कुछ दे रहा है? हाँ सर, एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत कुछ दे रहा है, क्योंकि सर जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, दूसरी अलग अलग सर्विसेज हैं, क्या सर उसमें एग्रीकल्चर की चीजें लगती है? क्या एग्रीकल्चर से बना हुआ या एक्सट्रैक्शन से हुआ? जैसे अपन बहुत चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से, उस जमीन से चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी रॉ मटेरियल से बहुत बार ट्रक के पर्दे बनते हैं। तो सर क्या बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी दे रहा है क्या? द आंसर इज यस, एग्रीकल्चर इज गिविंग मैनी थिंग्स टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आल्सो। ओके सर, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट नेक्स्ट इज व्हाट, हेल्थ। क्या हेल्थ इंडस्ट्री, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, क्या हेल्थ इंडस्ट्री कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को दे रही? सर जो हेल्थ इंडस्ट्री से बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, बहुत सारे जैविक पदार्थ आते हैं, बहुत सारी रिसर्च होती है, R&D होती है, तो क्या सर उससे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी बहुत कुछ जाता है? हाँ सर, एग्रीकल्चर हेल्थ इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी जाता है। क्या हेल्थ इंडस्ट्री खुद हेल्थ इंडस्ट्री को कुछ बहुत कुछ सप्लाई करती है? हाँ सर, हेल्थ इंडस्ट्री को भी बहुत कुछ सप्लाई करती है। हॉस्पिटल्स के अंदर बनी हुई चीजें क्या वापस से हॉस्पिटल्स में ही यूज होती है? हाँ सर, हॉस्पिटल्स के लिए भी यूज होती है। क्या जो डॉक्टर लोगों को ट्रीट करता है, जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, कुछ मेडिसिन को जनरेट करता है, तो क्या वो डॉक्टर खुद भी यूज करता है? द आंसर इज यस, तो डॉक्टर हेल्थ इंडस्ट्री को भी यूज करती है। द नेक्स्ट इज, क्या हेल्थ इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत कुछ प्रोवाइड करती है? हाँ सर, इंटर इंडस्ट्री है। सर थोड़ा और एग्जांपल, छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगर मैं देखो बताऊं, मेरे पास एक ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है। अब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में मेरे पास एक, तुम्हारे पास एक टायर इंडस्ट्री है, अगर मैं देखो बताऊं, जो टायर्स मैन्युफैक्चर करती है, एक कार इंडस्ट्रीज है, टायर इंडस्ट्रीज है, और सर एक हाथों हाथ आप बात कर लो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। तो क्या सर ऑटोमोबाइल्स को ही कुछ सप्लाई करते हैं? क्या मारुति की गाड़ियां मारुति के इंजीनियर्स के लिए भी यूज होती हैं? क्या मारुति के चेयरपर्सन के लिए भी यूज होती हैं? क्या मारुति का ही माल रॉ मटेरियल इधर उधर आने के लिए यूज होती है? हाँ सर। सर क्या मारुति की गाड़ियां टायर इंडस्ट्री में यूज होती हैं क्या? सर जो मिशेलिन टायर्स है या MRF टायर्स है, क्या वो भी MRF जो टायर्स हैं, टायर कंपनी है, क्या वो टायर कंपनियां भी कार्स यूज करती हैं क्या? अरे सर, बट ऑब्वियस सी बात है, वो टायर कंपनीज भी क्या यूज करेंगी कार? सर क्यों कार यूज करेंगी, क्यों कार यूज करेंगे? सर क्योंकि जितने भी टायर इंडस्ट्री के जो ओनर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, उनको आने जाने के लिए, अपने क्लाइंट्स को बिठाने के लिए क्या ऑटोमोबाइल्स लगता है? हाँ सर। सर क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत कुछ देती है? हाँ बेटा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी बहुत कुछ देती है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सर इसका मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इनपुट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी है, आई रिपीट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इनपुट टायर इंडस्ट्री के लिए भी है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इनपुट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी है। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा गेम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं बेटा, बहुत आराम से। क्या टायर इंडस्ट्री कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देती है? सर बट ऑब्वियस सी बात है, सारे ऑटोमोबाइल्स में चार टायर बने हुए, और वो चार टायर कहाँ से आते हैं? टायर इंडस्ट्री से आते हैं। तो सर टायर इंडस्ट्री क्या ऑटोमोबाइल को इनपुट देती है? हाँ। क्या टायर इंडस्ट्री खुद को भी इनपुट देती है? बेटा टायर इंडस्ट्री के अंदर जो गाड़ियां हैं, जो ये चलती हैं, और उनमें जो टायर लगते हैं, वो क्या टायर से ही आते हैं? हाँ सर।
क्या टायर इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इनपुट देती है क्या? मतलब टायर इंडस्ट्री जितनी भी है, जितनी भी टायर इंडस्ट्री जो MRF वाले ये सब है, क्या ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे इनपुट देते हैं? हाँ सर, एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूँ फिगर्स इन करोड़, ये 5 करोड़ का, ये 12 करोड़ का, ये 15 करोड़ का, समझो ये 10 करोड़ का, ये 15 करोड़ का, ये 20 करोड़ का, क्या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इनपुट देती है क्या? सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कुछ इनपुट देती है क्या? इट मीन्स क्या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल्स में हेल्प करती है? सर जितनी भी बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स हैं, जितनी भी कारें उतरती हैं, वो तो बड़ी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री लेके आती है, क्योंकि सर इंदौर की, इंदौर में सारी गाड़ियां तो नहीं बनती ना, गाड़ियां तो अपने आउटलेट पे बनती है, वहां से गाड़ियां अपने इंडस्ट्री से लेकर रिटेल शोरूम तक जो गाड़ियां आती है, गाड़ियां जो अपनी उस जगह से लेकर रिटेल इंडस्ट्री तक जो गाड़ियां आती है वो कहां से आती है? ट्रांसपोर्ट से। तो क्या सर ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल को इनपुट देता है? यस, ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल को इनपुट देता है, लेट से 15 कुछ भी हो सकता है। क्या सर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री टायर इंडस्ट्री को इनपुट देती है? कभी कभी बड़े बड़े ट्रक देखे जिसमें कहते हैं हजारों टायर लोड होकर जाते हैं। अब जो टायर बनते हैं, जो टायर का रॉ मटेरियल है, वो टायर का जो रॉ मटेरियल रबर आता है, उसको रबर को अपने रॉ मटेरियल वाली जगह से लेके टायर इंडस्ट्री तक लाना, टायर इंडस्ट्री तक लाना कौन सी इंडस्ट्री देती है? ट्रांसपोर्ट देती है टायर को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट भी कुछ देती है क्या? क्या ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां ट्रांसपोर्ट वाली ही गाड़ियों को उठा के या उनके रॉ मटेरियल को उठा के आगे पीछे देती है क्या? हाँ सर। तो सर आप समझाना क्या चाहते हो? Let's introduce the topic with this communication, and this communication is for input-output analysis. मैं बहुत systematic एक बात बता रहा हूँ। अगर इंडिया के अंदर मैंने अभी आपको एक फोटो और भेजूंगा, मतलब कुल मिलाकर टॉप 256 इंडस्ट्रीज है। टॉप 256 इंडस्ट्रीज में क्या आ गई? आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आ गई, आपकी फार्मा इंडस्ट्रीज आ गई, आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आ गई, आपकी क्लॉथिंग इंडस्ट्री आ गई, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई, आपकी एक्सट्रक्शन इंडस्ट्री आ गई, आपकी फूड FMCG इंडस्ट्रीज आ गई, आपकी फर्नीचर इंडस्ट्रीज आ गई। तो क्या सर ऐसे हर इंडस्ट्री अपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज को कुछ ना कुछ सप्लाई कर रही है क्या? हाँ सर, हर इंडस्ट्री कुछ ना कुछ हर इंडस्ट्री को सप्लाई तो कर रही है। तो क्या सर ये एक बड़ा मैट्रिक्स बन रहा है? अगर मैं ढंग से बताना चाहूँ बेटा, तो कुछ सोच अगर नेशनल लेवल पे बात करें, अभी मोदी जी के लेवल पे बात करें, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 256 इंडस्ट्रीज। सर क्या बैंकिंग सेक्टर भी एक इंडस्ट्री? हाँ यार बेटा, तो तू यहाँ पे अगर नाम लेना चाहे तो बैंकिंग, टेक्सटाइल, फार्मा, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, मशीन टूल्स की इंडस्ट्री होती है, जो मशीन टूल्स की इंडस्ट्री होती है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। और सर क्या हर इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर रही है कि खुद के लिए भी इनपुट तैयार कर रही है? सर खुद के लिए भी इनपुट तैयार कर रही है। अगर तुम्हें लगता है कि टायर इंडस्ट्री सिर्फ ऑटोमोबाइल्स को दे रही है, अरे नहीं बेटा, टायर इंडस्ट्री जो टायर बना रही है, माना वो ऑटोमोबाइल में लग रहे हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल में लग रहे हैं इसलिए तो टायर बन रहे हैं। जो टायर इंडस्ट्री भी चलनी है, तो टायर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल लाने के लिए भी तो तुमको गाड़ियां चाहिए, जो टायर इंडस्ट्री का रबर लाने के लिए तुमको गाड़ियां चाहिए। तो देखो टायर इंडस्ट्री की जो भी चीजें लाने के लिए तुमको चीजें चाहिए, जो चीजें चाहिए वो क्या वापस से टायर इंडस्ट्री दे रही है? द आंसर इज राइट, वो टायर इंडस्ट्री ही दे रही है। अब ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, क्या ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हॉस्पिटल्स में सर्विस दे रही है? क्या ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री फार्मा में सर्विसेज दे रही है? क्या ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री टीचिंग में सर्विसेज दे रही है? हाँ सर, ये टीचिंग में भी सर्विसेज दे रही है। तो सर व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज आप और मैं पढ़ेंगे, एंड दैट इज इनपुट आउटपुट मॉडल। प्रॉब्लम ये बात की होती है बेटा कि अपन कैसे डिसाइड करें किसका कितना इनपुट होगा और किसका कितना आउटपुट होगा? क्योंकि अगर आज हितेश सर मेरी टीचिंग इंडस्ट्री है, अगर सर टीचिंग इंडस्ट्री में मैं अपनी सिर्फ एक्सटर्नल डिमांड देखूं, एक्सटर्नल डिमांड कितनी है, ना अगर मैं बोलूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सिर्फ अपनी एक्सटर्नल डिमांड देखिए, एक्सटर्नल डिमांड मतलब कि बाहर किसको कितना कितना एग्रीकल्चर चाहिए, देन इट वुड बी वेरी मच इजी। उसको एक्सटर्नल डिमांड तो पता है, क्या एग्रीकल्चर को बाहर की चीजों में, जो एल कंज्यूमर्स है, तुम और मैं अपन सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को वो एक्सटर्नल डिमांड चाहिए तो देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को पता होना चाहिए कि अगर वो अपना एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ाएगी, अगर वो अपने एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ाएगी, एग्रीकल्चर के आउटपुट को बढ़ाने के साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की सर्विसेज भी लेनी पड़ेगी ज्यादा, उसको हेल्थ केयर की सर्विसेज भी लेनी पड़ेगी ज्यादा। तो जब ये चीज ज्यादा होंगी तो वापस से अगर इनकी इनकी नीड ज्यादा होगी तो मुझे बताओ हेल्थ वाले को अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हेल्थ वाले को अपना आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा तो हेल्थ वाला अगेन नीड्स व्हाट? एग्रीकल्चर। सर अगर आप बोलोगे एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ा, एग्रीकल्चर के आउटपुट को बढ़ाने के लिए सर्विसेज देती है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री,
सर एग्रीकल्चर के आउटपुट को बढ़ाने के लिए सर्विसेज देती थी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को बोलेगी ठीक है हम सर्विसेज चार्ज दे रहे हैं, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन अपनी सर्विसेज ज्यादा देगा बेटा तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन को वापस से इनपुट कहां से मिलता है, एग्रीकल्चर से, तो फिर एग्रीकल्चर को बढ़ाना पड़ेगा। सर आप समझाना क्या चाहते हैं? नाउ दिस बिकम्स अ मैट्रिक्स। ये जो मैंने आपके सामने बनाया है बेटा वो 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर मैं तेरे को बोलूं देश के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है तो देखो 256/256 अगर आपने कैलकुलेटर पर करके देखा तो यहाँ से 256 और यहाँ से 256 का मैट्रिक्स होता है जिससे एक्चुअल आपूर्ति और पूर्ति की डिमांड होती है। सर व्हाट इज आपूर्ति एंड पूर्ति? आपूर्ति एंड पूर्ति इज इनपुट एंड आउटपुट, कि कितने इनपुट पे कितना आउटपुट होगा। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ दिस मॉडल। तो सर अपन एक छोटा सा ये समझते हैं, मेरे पास एक दो क्वेश्चन आए हैं कि सर हेल्थ इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कैसे इनपुट देती है। सर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जितने भी ओनर्स हैं क्या वो कभी बीमार नहीं पड़ते? क्या उनके कितने एम्प्लॉइज का मेडिक्लेम नहीं होता? क्या उनके एम्प्लॉइज के लिए बहुत सारी कभी कोई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या वो हेल्थ इंडस्ट्री में नहीं आता वापस से? बट ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आपस में अगर आप टकरा जाओ तो कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपको हेल्थ केयर मेडिसिनल सर्विस चाहिए रहती है। ठीक है, देन मेरे को एक क्वेश्चन आया सर हाउ टू प्रूव वैल्यूज एंड व्हाट दे सिग्निफाई, मैं उसका भी आंसर दे रहा हूँ। पहले यहाँ तक अगर समझ में आया हो मैं धीरे धीरे बात बता रहा हूँ। सर मैंने आपको मैट्रिक्स क्या बनाया, नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। सर व्हाट यू वांट, ये सारे बेटा सुनना बेटा, नाउ दिस इज द आंसर टू वन मोर क्वेश्चन कि सर हाउ टू पुट दिस आर द इनपुट्स, या मैं तुमको बोलूं तो अच्छे से अपनी लैंग्वेज अपन पढ़े तो दीज आर द इंट्रा इनपुट्स। So what is intra inputs? कि agriculture का agriculture से, agriculture का health से, agriculture का transport से, then again health का agriculture से, health का health से, health का transport से। तो ये तो इन तीनों industries ने आपस में group बनाया। अगर मैं तेरे को अच्छे से बताऊं, तुम अच्छे से तीन friends हो अच्छे खासे, तो यहाँ पे भी तीन friends A B C और यहाँ पे भी तीन friends A B C, अपने आपस में जो girls group बनता है ना वो आपस में अपने तीन friends को imagine कर। अगर तुम तीन friends को imagine कर लोगे तो क्या सर ए क्या तू अपने आप को कुछ बहुत सारी सर्विसेज देती है? ए हाँ सर मैं मेरा होमवर्क खुद करती हूँ, मेरा असाइनमेंट खुद करती हूँ, मेरे बहुत सारे वर्क करती हूँ। क्या तू अपने साथ क्या बी का असाइनमेंट भी कर देती है बहुत बार? हाँ सर कभी कभी करना पड़ता है उसको नहीं आता तो। क्या तू ए है तो क्या तू सी का असाइनमेंट भी कुछ कर देती है? हाँ तो लेकिन सर ऐसा तो नहीं कि मैं उनका करती हूँ, वो भी तो मेरा करते हैं। तो सर इसका मतलब दिस इज अ इनपुट आउटपुट, दिस इज अ इनपुट आउटपुट मतलब क्या सर कि मैं उनका करता, पहले तो सर मैं अपने आप को सर्विस इंडस्ट्री का देती है आपस में इनपुट आउटपुट खेल लेती है। तुम तीन फ्रेंड्स आपस में, तीन लड़के आपस में इनपुट आउटपुट खेल लेते हैं। कैसे सर इनपुट आउटपुट खेल लेते हैं कि सर मेरा कुछ काम ये कर देता है या मेरा कुछ काम तो मैं खुद ही करता हूँ, हेल्थ वाला बोलेगा मेरा कुछ काम तो मैं खुद करता हूँ, कुछ काम मैं इससे कर लेता हूँ, कुछ काम मेरा सी कर देता है। तो ऐसा है क्या तू उसका काम नहीं करता? तो तू भी उसका काम करता है। अगेन दिस इज अ इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो सर ये जो पूरा चार्ट है ये इन तीन जनों का, तीन इंडस्ट्रीज का इंट्रा इनपुट चार्ट। ठीक है बेटा, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ व्हाट इज दिस थिंग? ये इन तीन इंडस्ट्रीज की एक्सटर्नल डिमांड। कौन सी डिमांड है? एक्सटर्नल डिमांड मतलब जो सर्विसेज, जो इनकी नीड, इनके आपस के मैट्रिक्स के बाद इनको जो बाहर की नीड चाहिए, बाहर के लोग जो इनको डिमांड करते हैं उनकी एक्सटर्नल डिमांड है। मतलब एग्रीकल्चर जितना एग्रीकल्चर को देता है आ गया, एग्रीकल्चर जितना हेल्थ को देता है आ गया, एग्रीकल्चर जितना ट्रांसपोर्ट को देता है आ गया। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर बाहर भी कुछ दे रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर नो प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर बाहर भी कुछ दे रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, हेल्थ अगर बाहर भी कुछ दे रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट कुछ बाहर भी दे रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ कोई बाहर वाला वाई होता तो एक्स और वाई का बाहर बाहर का रिलेशन बनाना इज वेरी मच इजी, देयर इज नो प्रॉब्लम। एक्स का और वाई का बाहर बाहर का रिलेशन बनाना बहुत ईजी है, लेकिन जब मैं रिफ्लेक्सिव हूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिव? कि मैं मेरी इंडस्ट्री को भी सप्लाई कर रहा हूँ। तो सर हितेश सर बीइंग अ टीचर क्या वो टीचिंग इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं? हाँ बेटा, अगर मैं बहुत सारे टीचर्स को नेट के लिए पढ़ाता हूँ, अगर मैं बहुत सारे टीचर्स को भी टीच करता हूँ, जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो बहुत बार टीचर बन जाते हैं,
क्या मैंने टीचिंग इंडस्ट्रीज को भी इनपुट दिया? हाँ सर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आपके एक्सटर्नल डिमांड के अंदर आपने टीचिंग इंडस्ट्री को भी इनपुट दिया, तो सर क्या मेरे रिलेशनशिप क्या ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव भी है? सो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव मींस ए रिलेटेड टू ए. Agriculture is supplying to agriculture, when agriculture, when health is supplying to health, transportation is supplying to transportation. अब जो हमारा main question होता है बेटा, तो फिर इनका output कैसे decide? क्योंकि देखो ना, एक बार तुमको बहुत सिंपल सी बात बता दूं, अगर तुम बोलोगे सर, मैं अगेन एक बार वापस से ले रहा हूँ उस चीज को, अगर तुम बोलोगे सर एग्रीकल्चर को थोड़ा बढ़ाए, तो एग्रीकल्चर को थोड़ा बढ़ाते सर्विस देने, तो एग्रीकल्चर की सर्विस किस पे जाएंगी? एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए? सर एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, टायर इंडस्ट्री चाहिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चाहिए. तो सर क्या एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए ये सब चाहिए? हाँ चलो ठीक है, तो मैं क्या, चलो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे ही बढ़ेगा वो बोलेगा अरे मेरे को तो एग्रीकल्चर और चाहिए. जैसे ही हेल्थ बढ़ेगा, हेल्थ वाले बोलेंगे हमको दवाइयों के लिए एग्रीकल्चर और चाहिए. जैसे ही टायर बढ़ेगा, टायर बोलेगा मेरे को रॉ मटेरियल के लिए रबर और चाहिए. अरे सर, इसका मतलब अकेले एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए इतनी सारी इंडस्ट्री को एडजस्ट करना पड़ेगा. इतनी सारी इंडस्ट्री को तो ठीक है, इतनी सारी इंडस्ट्री को लिए एग्रीकल्चर को फिर से अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, तो फिर एग्रीकल्चर और ज्यादा लगेगा. सब एग्रीकल्चर और ज्यादा लगेगा तो फिर ट्रांसपोर्ट ज्यादा लगेगा. तो सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया. नाउ इन द फर्स्ट हाफ अबाउट द कंसेप्ट एंड द प्रॉब्लम that an industry face. In the first half, I've talked about the concept and the problems that a industry face. Now, we are here being the business forecasters. We are here as a managers. We'll solve this problem through matrix approach. जो हम पढ़ने वाले. सर पहले के 15-20 मिनट आप हमको क्या बता रहे हैं? मैं आपको प्रॉब्लम से अवगत कराता गया. अगर आज तेरा बिजनेस चल रहा है तो क्या मैं हर बच्चा, जो बच्चा एमबीए कर रहा है, क्या हर बच्चा अपने बिजनेस में इनपुट आउटपुट एनालिसिस लगा सकता है? हाँ बेटा. तो कुछ सोच, क्या तेरी इंडस्ट्री, जिसका भी अगर आप कपड़े की बिजनेस है, या तेरा किसी और चीज का बिजनेस है, राशन की दुकान है, पापा का प्रॉपर्टी का काम है, तो पहले चेक कर कि तेरे पापा कौन सी इंडस्ट्री में, फिर उस इंडस्ट्री पे कौन कौन सी इंडस्ट्री इफेक्ट करती है उसको लिखते हैं यहाँ पे. अच्छा, क्या सिर्फ तेरे पापा को अलग अलग इंडस्ट्री इफेक्ट करती है कि उन सब इंडस्ट्रीज को तेरे पापा भी इफेक्ट करते हैं? वैसी बात है सर, हमारा बिजनेस भी तुमको इफेक्ट करता है. तो सर ऐसी तीन कोर इंडस्ट्रीज ले और उससे अगर तू इनपुट आउटपुट सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो तू अपने पापा को एक अच्छा बढ़िया बिजनेस फॉरकास्टिंग मॉडल बना के दे पाएगा. दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया. सर थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे की तरफ. सर अगर आप बोला जाए कि ये एक्स है, इसके कितनी यूनिट बनेंगी, एक्स, ये वाई और ये जेड, तो सर आप सबसे पहले तो मान लो कि अगर ये पूरा मैट्रिक्स है तो इस पूरे मैट्रिक्स को अपन पहले कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में कि एग्रीकल्चर अपनी टोटल डिमांड का कितना परसेंट कंज्यूम करता है. पहले तो टोटल डिमांड कितनी 50. आई एम कन्वर्टिंग ऑल दिस फिगर्स, आई एम कन्वर्टिंग ऑल दिस फिगर इन काइंड ऑफ अ पॉइंट फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, कि सर एग्रीकल्चर 5 दे रहा है, इसका टोटल एग्रीकल्चर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 50. भाई देखना, 5, 10, 15 और एक्सटर्नल 20, तो टोटल एग्रीकल्चर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 50. उसमें एग्रीकल्चर अपने आप को कितने की सर्विसेज दे रहा है, अपने आप को सर्विसेज दे रहा है बेटा 5/50. कम ऑन. एग्रीकल्चर हेल्थ को कितनी दे रहा है, 10/50. कम ऑन. एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट को कितनी दे रहा है, 15/50. सर हेल्थ इंडस्ट्री टोटल को कितना दे रही है, तो हेल्थ इंडस्ट्री दे रही है 6/40. हेल्थ इंडस्ट्री दे रही है 8/40. कम ऑन, 6/40. क्या बात कर रहे हो सर. अब ये इसका कितना आएगा, 10/60. यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगेन 15/60, अगेन 10/60. ठीक है सर. और सर ये एक्सटर्नल डिमांड का भी निकाल ही ले क्या बेटा, एक्सटर्नल डिमांड का भी निकाल ले, 20/50, 20/40, 35/60 इज इक्वल टू टोटल डिमांड, दैट इज 50, 40 और 60. सर ये जो स्टेप थी, इस स्टेप का लॉजिक बता दो बेटा. अपन ने इसको सबको कर लिया पर यूनिट परसेंटेज में कर लिया कि अगर एग्रीकल्चर साल में 50,000 करोड़ कोई भी आउटपुट उगाता है, लेट से गेहूं उगाता है, तो उसकी जो गेहूं है एग्रीकल्चर सेक्टर की 50,000 करोड़ की गेहूं एग्रीकल्चर की ही यूज में कितनी आती है, तो आती है बेटा 5/50. ओके सर, उसके बाद अगर हेल्थ इंडस्ट्री, तो हेल्थ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कितना ले रही है, अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उगा रही है 50,000 करोड़ की गेहूं,
तो हेल्थ इंडस्ट्री उसमें से कितना ले रही है, 10/50, गेटिंग इट, 10/50, कम ऑन। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कितना ले रही है, 15/50। सर थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इसको और डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना बेटा। अगर अपन बात करें तो सिस्टमेटिक आगे बढ़े तो बता, 5/50 कितना, 1/10, ये तो हो गया 0.1, कम ऑन, ये कितना हो गया 0.2, और ये कितना हो गया अगर अपन बात करें तो 0.3। वाओ सर, सर ये कितना हो जाएगा 6/40। कोई बच्चा अगर मुझे कर दे कि सर 6/40 इज समथिंग, अगर अपन बात करें तो 3/20, तो ये हो जाएगा शायद 0.15, ठीक है बेटा। 8/40 इज अगेन 0.2, 6/40 इज अगेन 0.15 अप्रोक्सीमेट। सर 10/60 इज 1/6, तो 1/6 का मतलब ही होता है मेरे ख्याल से कितना तुम्हारे पास, 0.16 है, 1/6 है। सर 15/60 मतलब 1/4, दैट इज 0.25, और ये 1/6 का मतलब अगेन 0.167। सर ये क्या हो गया, सर बेटा देखना 2/5 का मतलब कितना हो, जल्दी बता दो। तो 2/5 का सर मतलब ही होता है 0.4, इसका मतलब होता है 0.5, और 35/60 तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 12। अगर आप 7/12 करोगे तो 0.5, अगर अपन बात करें 0.5 देन 100, 0.58 के आसपास कुछ आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, इज इक्वल टू 50, 40, 60। तो सर आपने इन सब चीजों को इनडायरेक्टली ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, सब चीजों को सर काय में कन्वर्ट कर लिया, कहीं पे 0.58, तो सर इन सब से आंसर क्या आने वाला है? अब आएगा मजा, रियल वाला मजा, थोड़ा समझना अच्छे से अगर मुझे अलाउ करो तो मैं अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सर क्या इसका फोटो एक आप भेज दोगे, मैं आपके ग्रुप पे अभी के भी भेज रहा हूँ सर फोटो, इसलिए कि जिन जिन बच्चों को ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है ना तो उन बच्चों को फोटो मिल जाएगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है सर। तो गेम को सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, इसका पूरा फोटो भेज देता हूं ताकि आपको कुछ भी मिस ना। ठीक है सर, अब आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट को मिटाता हूं, अब समझाता हूं आगे का गेम बेटा। अगर मैं तुमको थोड़ा सा आगे का गेम समझाऊं तो कैन आई टेक इट लाइक दिस एज कि सर ये की यूनिट बनेगी एक्स, इसकी यूनिट बनेगी वाई, और इसकी यूनिट बनेगी जेड, और ये पूरा मैट्रिक्स है ए, ये पूरा मैट्रिक्स क्या है ए, ये पूरा मैट्रिक्स है बी, और ये पूरा मैट्रिक्स है मान लो डी। तो सर अब क्या होगा, ये ए को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो इस पूरे मैट्रिक्स को अगर मैं तुमको बोलूं ये पूरा ए है, और हर किसी की जो क्वांटिटी बनेगी उसको अपन एक साथ मान लेते हैं ए इंटू एक्स, ए इंटू कितना एक्स, वेयर एक्स रिप्रेजेंट इन ब्रैकेट एक्स वाई और जेड, एक्स ब्रैकेट में अपने आप में एक्स वाई और जेड की बात करें तो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा डी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी। तो सर अगर d भी क्यों, अगेन ax plus b is again equal to total क्या आ जाएगा तुम्हारे पास a ही आ जाएगा। सर क्यों आ जाएगा, क्योंकि वही total demand है, वही तो total demand है, जो d भी है external demand भी है, तो वो भी तो ax plus b is equal to वापस से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास a ही आ जाएगा, क्योंकि वही तो आपके पास total demand है। तो सर d is always equal to a, ये जो final demand है, जो final output है, क्या वो final input से मैच करेगा, हाँ सर जितना इनपुट होगा उतना ही क्या होगा आउटपुट, जितना इनपुट होगा उतना ही क्या होगा आउटपुट। चले सर अब एक मिनट, एक क्वेश्चन और आ रहा है, गो अहेड सर। अब इसके बाद आप क्या बताना चाहते हो, अगर मैं तुमको बोलूं कि थोड़ा सा अपन इस गेम को अगर आगे बढ़ाए तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए माइनस ए एक्स, a माइनस ए एक्स अगर अपन बात करें तो b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका a ब्रैकेट में x को आपने क्या करा, x का आउटपुट लिखा है, सॉरी यहाँ पे फिर आपका x ही रहेगा क्योंकि x आपका टोटल आउटपुट अज्यूम है, तो आपका अल्टीमेटली ए एक्स माइनस ए माइनस कितना आ जाएगा आपके पास x माइनस ए एक्स, ठीक है सर x माइनस ए एक्स आ जाएगा क्योंकि x y z को अपन ने टोटल आउटपुट अज्यूम करा है, ठीक है बेटा। तो तेरे पास अगर तूने x कॉमन ले लिया तो तेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस a, जो बच्चे 1 के ऊपर आ रहे थे,
और वन को मैट्रिक्स में, आई रिपीट, वन को मैट्रिक्स में बोलते हैं आई, वन को मैट्रिक्स में बोलते हैं आई। तो बी इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में आई माइनस ए, और एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन में आई माइनस ए। इट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू बी इंटू आई माइनस ए का इनवर्स, आई माइनस ए का इनवर्स। ठीक है सर, तो एक्स इज इक्वल टू बी इंटू आई माइनस ई का इनवर्स। अब सर निकालते हैं आई माइनस ए, एंड सर व्हाट इज द आई मैट्रिक्स? तो ये तो बेटा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द आई माइनस ए, तो आई एम डूइंग समथिंग ओवर हियर कि आई माइनस ए शुड बी इक्वल टू, आई का मैट्रिक्स होता है 1 1 1, 0 0 0, 0 0 0, माइनस ए कितना है तेरे पास बेटा? 0.1, 0.2, 0.3, 0.15, 0.2, 0.15, 0.167, 0.25 और 0.167। अगर बच्चे यहां से आई माइनस ए निकाल दें तो मेरे को थोड़ा सा ए प्लस बी, बेटा एक मिनट मैं एक इक्वेशन पे और एक बार पूरा डिटेल दूंगा, तुम लोड मत, एक डाउट आया मेरे पास, एन ए प्लस बी भी नहीं रहेगा ना, बता देता हूँ बेटा वो भी, देखो चिंता मत कर। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो 1 माइनस 0.1 इज व्हाट? 0.9 पॉइंट, ये तो कितना हो जाएगा? -0.2, ये कितना हो जाएगा? -0.3, ये हो जाएगा -0.15। सर ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कितना? 0.8। 0 माइनस 0.15 इज -0.85। 0 माइनस 0.167 इज 0.833, वो -0.0167। देन अगेन 0 माइनस 0.25 इज -0.25 और 1 माइनस 0.67 इज 0.833। इस वुड बी द मैट्रिक्स आई माइनस ए, आई माइनस ए, आई माइनस। तो सर अब अगर अपन बात करें एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू क्या है तेरे पास? बी इंटू आई माइनस ए का इनवर्स, आई माइनस ए का इनवर्स। तो सर अब क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू बी का मैट्रिक्स याद है क्या किसी को? एक बार बोर्ड से मैं देख लेता हूँ जो आप ही को फोटो भेजा है। तो बी का मैट्रिक्स है बेटा तेरे पास कितना कितना? 0.4, देन तेरे पास क्या है? 0.5 और 0.583, और आई माइनस ए कितना आ गया बेटा? 0.9, -0.2, -0.3, -0.15, 0.8, -0.85, -0.167, -0.25 और 0.833। और बेटा इसका भी अपने को क्या निकालना पड़ेगा? इनवर्स। इसका भी क्या निकालना पड़ेगा? इनवर्स। ठीक है सर, अब इसका इनवर्स कैसे सीखेंगे बेटा? इसका इनवर्स के लिए देखो बहुत सारे कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो अपन एडजॉइंट ए निकाल देंगे याद कर, तो ए कोई भी मैट्रिक्स अगर हो, तो कोई मैट्रिक्स एम अगर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स होता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट एम इनटू एडजॉइंट ऑफ एम। तो क्या सर इसमें वही को फैक्टर्स माइनर्स डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा? हाँ बेटा, उसमें वही को फैक्टर्स माइनस डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा। तो सर अब क्या करेंगे, इसको जो अपन करेंगे तो अपन जो सही कर लो, तो ये हाँ बिल्कुल A23 इज 0.15 होगा। दिस इज समथिंग राइट, थैंक यू फॉर द इनपुट। एक मिनट, और कौन सा है? एडजॉइंट डिटरमिनेंट, ओके ग्रेट। सर बिगिनिंग में ही थर्ड रो का टोटल गलत था इसलिए इक्वेशन गलत बोल रहा हूँ। सर थर्ड रो का टोटल गलत आया था बेटा, ठीक है उसको अपन ठीक, टोटल की मिस्टेक है ना बेटा, देखो टोटली मिस्टेक थोड़ी बहुत।